इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बात मैं हर टॉपिक के लिए बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे टॉपिक का नाम है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा एक सिंगल पार्टिकल की। मान लो हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, इस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसका मोमेंटम बदल जाएगा। फोर्स लगाने पर इसका मोमेंटम बदल जाता है और हमारा सेकेंड लॉ जो है वो आपको इस तरीके से एक रिलेशन देता है, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। फाइनली ये आगे जाकर इक्वेशन बन जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन हमने यहां से स्टार्ट किया था तो हम इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इस तरीके से फोर्स लगाने पर मोमेंटम बदलता है। अब अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे इस पार्टिकल पे, इफ यू डू नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स, तो इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ये जिस मोमेंटम के साथ है उसी मोमेंटम के साथ आगे चलता रहेगा। मोमेंटम बताया ना सब लोग को, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बदल रहा है मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और वो तो तभी होगा जब आप बाहर से कोई फोर्स लगाओगे। तो इस पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, इफ एफ इज जीरो, देन नो चेंज इन मोमेंटम, इसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज नहीं होने का मतलब है जो मोमेंटम है पहले से ही वही मोमेंटम होगा, मोमेंटम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या, कि जिसमें हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो, दो पार्टिकल्स हो, तीन पार्टिकल्स हो, चार हो, पचास हो, हजार हो, कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल हम तीन पार्टिकल वाला एक अगर कोई सिस्टम ले ले, तीन पार्टिकल्स हो या फिर उसके अंदर तीन बॉडीज हो, ए बी और सी, तो ये हमारा एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें तीन बॉडीज है। ऐसा आपका तीन बॉडीज या चार बॉडीज का, पांच बॉडीज का सिस्टम हो सकता है। मैंने यहां पे एक तीन बॉडी का सिस्टम कंसिडर किया जिसमें वी हैव गॉट थ्री बॉडीज ए बी एंड सी। अब मान लो ये तीनों बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। आपस में इंटरैक्ट कर रहे मतलब आपस में एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर मान लो ये दोनों टकराते हैं तो ए बी पर फोर्स लगाएगा जब टकराएंगे तो, और बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा ए पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे तो दोनों का मोमेंटम बदल जाएगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगाए इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, बी पर फोर्स लगाए बी का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और अगर ये सी से टकराता है तो अगेन सी का भी मोमेंटम चेंज होगा। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे का मोमेंटम जरूर बदल रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा एक सिस्टम कंसिडर करूं तो ये सिस्टम में आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा, और अगर इस तरीके से ये इंटरैक्टिंग जो पार्टिकल्स हैं, ये सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आपस में भले ही फोर्सेस लगा ले ये लोग, ये जो आपस में फोर्सेस लगाते हैं इसको हम लोग इंटरनल फोर्सेस बोलते हैं। इन इंटरनल फोर्सेस से बॉडीज का आपस में तो भले ही मोमेंटम बदल जाए लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम तीनों का मोमेंटम ऐड कर लो, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये तीनों मोमेंटम कॉन्स्टेंट होगा आपका, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता, और अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए तो हो सकता है जैसे कि धक्का लगने पर इसका मोमेंटम ज्यादा हो जाए, तो एक का ज्यादा हो जाएगा तो दूसरे का कम भी हो जाएगा, लेकिन सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा। वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं आता, बात आ रही समझ में। और अगर सिस्टम का, किसी सिस्टम पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।
आपस में भले ही फोर्स लगा है, अगर बाहर से कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है इस सिस्टम पे, तो हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है, टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो से देखो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। मतलब कितने भी पार्टिकल्स रहे और इस पार्टिकल्स का आपके पास अगर एक सिस्टम हो जिसमें सारे पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली तो इनका मोमेंटम बदल सकता है फोर्स लगने पर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब बाहर से कोई फोर्स इस पर अगर एग्जर्ट ना हो तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे हमको क्लियरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिख जाता है। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कोलिजन का। दो बॉडी आपस में जब टकराती है तो वहां पे देखो किस तरीके से मोमेंटम कंजर्व होता है सिस्टम का। तो कोलिजन की बात करते हैं। मान लो यहां पे दो स्फीयर्स है, ये एक स्फीयर और ये दूसरा स्फीयर, स्फीयर ए स्फीयर बी, ये बिना रोल किए हुए सीधे इस तरह से आगे की ओर जा रहे हैं। इसका मास हम लोग एम ए मान लेते हैं, इसका मास एम बी मान लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो यू ए है और इसकी वेलोसिटी यू बी। और लेट्स अज्यूम दैट यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। और इस तरीके से आगे जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों टकरा जाएंगे, दोनों का कोलिजन होगा। उसके लिए जरूरी है कि आपका पीछे वाले की जो वेलोसिटी है वो आगे वाले की वेलोसिटी से ज्यादा हो मैग्नीट्यूड में। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ज्यादा होगा तभी आगे जाकर ये दोनों टकराएंगे। तो टकराने से पहले की बात करते हैं, बिफोर कोलिजन। देखो जब ये टकराएंगे तो ये एक हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में सिर्फ दो पार्टिकल है, हमने बहुत ही एक सिंपल सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर किया है जिसमें सिर्फ दो पार्टिकल है। ठीक है, या फिर आप बॉडी बोलो, दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, जो कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं। अगर इनकी वेलोसिटी है तो इनका मोमेंटम भी होगा। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपका, इस सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आके बी को लात मार दिया किसी ने, या फिर ए को पीछे से धक्का मार दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये दोनों ऐसे इस तरीके से जाएंगे और आगे जाके टकरा जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये जो पूरा सिस्टम है इस पर अगर बाहर से कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, चलो इसका कोलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं सिस्टम का। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम जिसको हम लोग पी इनिशियल लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा बताओ? मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी, ए का मोमेंटम प्लस बी का मोमेंटम, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। और ए का मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। और बी का मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। इन दोनों को ऐड कर दो कि आपको इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा इस पूरे सिस्टम का। अब आगे जाकर ये दोनों टकराते हैं, टकराने के बाद देखो क्या होगा। मान लो आगे जाकर ये टकरा गए, ये रहा ए और ये रहा बी। टकराने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो ये ए इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा इस तरीके से, और बी भी ए पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ये ए जितना फोर्स बी पर एग्जर्ट करेगा, बी भी उतना ही फोर्स ए पर एग्जर्ट कर रहा है। तो ए बी पर जितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको मैं एफ ऑन बी ड्यू टू ए ऐसे लिख दे रहा हूं, एफ बी ए। एफ बी ए मतलब क्या? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और
बी जो फोर्स ए पर एग्जर्ट कर रहा है इट इज एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, ए पर लग रहा है. ये फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है. समझ में आ रही बात. अब सुनो, ये दोनों फोर्सेस जो होंगे वो एक्चुअली में कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट है. तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से यहां पे हमने माइनस लगा दिया. क्लियर है. अब सिचुएशन देखते हैं फोर्स लगने के बाद क्या होगा. फोर्स दोनों पर लगा है, दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को बदल देंगे. दोनों अगर एक दूसरे की वेलोसिटी को बदलेंगे तो दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो यहां पे क्लियरली देखो कि ए जो है, ए पर फोर्स लगेगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा था. सॉरी, बी की बात करो मैं, बी जो है वो आगे जा रहा है और पीछे से उसी डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा. तो बी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है. सो वेलोसिटी ऑफ बी विल इंक्रीज, तो मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा. किसका? बी का. लेकिन बी जो फोर्स लगाएगा ए पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, पीछे की ओर लगाएगा. तो लेकिन ए का चक्कर ये है, ए तो आगे जा रहा था, उसको फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की ओर. तो इसका मतलब ए का जो वेलोसिटी है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, इसलिए उसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा. तो इसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है और इसका मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है. ओवरऑल ऐसा कुछ होता है कि भाई टोटल मोमेंटम आपका, टोटल जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं आता है. तो ये चेक कर लेते हैं. यहां पहले से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बी का मोमेंटम इंक्रीज होगा और ए का मोमेंटम डिक्रीज होगा. ठीक है. तो कोलिजन के बाद मान लो कोलाइड हुआ तो क्या होगा, बी का जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो बी का मोमेंटम इंक्रीज होने के बाद यहां बना देता हूं मैं आफ्टर कोलिजन. ये आपका अगर मान लो बी है तो बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा वी बी, और सॉरी वेलोसिटी वी बी हो जाएगा. मास तो एम बी रहने वाला है, मास चेंज नहीं होगा कोलिजन के बाद. और ये आपका ए है, इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली यू ए थी, बाद में क्या हो जाएगी वी ए. फाइनली कोलिजन के बाद का सिचुएशन है, फोर्स लगा, दोनों अलग हो गए, अलग होने के बाद इसका मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी यू ए से वी ए हो गई, इसकी वेलोसिटी यू बी से वी बी. तो अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन क्या होगा. आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, जिसको मैं पी फाइनल लिख रहा हूं, क्या होगा बताओ. अगेन इसको एक काम करते हैं, इसको पी ए डैश नाम दे देते हैं प्लस पी बी डैश. पी ए डैश क्या है, इसका फाइनल मोमेंटम है कोलिजन के बाद. पी बी डैश क्या है, बी का फाइनल मोमेंटम है कोलिजन के बाद. और पी ए डैश और पी बी डैश क्या होगा, पी ए डैश विल बी मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और पी बी डैश क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बी. ये ए का मोमेंटम है धक्का लगने के बाद, कोलिजन के बाद. ये बी का मोमेंटम है कोलिजन के बाद, देख रहे. तो यहां पे ये टोटल फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना. ये कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, और ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम है, कोलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम है सिस्टम का. अब सुनो, हम उस फोर्स वाले इक्वेशन पे आते हैं. एफ इज इक्वल टू एफ ए बी इज इक्वल टू एफ पी ए. ए पे जो फोर्स लग रहा है और बी पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. तो हम ये बात करते हैं. अब ये दोनों को मैं यहां पे साइड में लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं. तो पी इनिशियल, पूरे कोलिजन के पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या था, पी ए प्लस पी बी. कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या हो गया, पी फाइनल, पी ए डैश प्लस पी बी डैश. अब देखो यहां पे अगर सपोज करो ये दो बॉडीज हैं ए और बी,
तो कोलिजन के टाइम की बात करते हैं, बी पर जो फोर्स लगा था दैट वॉज एफ ऑन बी ड्यू टू ए, और ए पर जो फोर्स लगा था वापस वो क्या था, एफ ऑन ए ड्यू टू बी एफ ए बी। तो हमने यहां पे लिखा एफ एफ ए बी का वैल्यू क्या होगा बताओ, फोर्स, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ पे आते हैं। यहां पे तो थर्ड लॉ दिख गया ना, क्योंकि ए जितना फोर्स लगा रहा है बी पर, बी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है ए पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे हम लोग सेकेंड लॉ का यूज करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, क्योंकि हम ए पर कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है ए का, पी ए डैश, और उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, पी ए। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। उसी तरह से फोर्स ऑन बी कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स ऑन बी क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, ओके। ये इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। अब सुनो, अभी अभी जैसे कहा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहां पे हमने सेकेंड लॉ यूज कर लिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ पी ए, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट है। एफ ए बी का वैल्यू देखो क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए का वैल्यू क्या आ रहा है, पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। सो पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी, ठीक है। अब क्या करो, देखो इस पी ए को यहां ले आओ और इस पी बी को यहां ले आओ, पी बी डैश को, तो ये हो जाएगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब इसको या तो इस तरीके से लिख लो, पी ए प्लस पी बी, इसको मैं साइड में लिखता हूं, इसको यहां से फिर से लिखते हैं, पहले ये वाला लिख दे रहा हूं मैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। अब देखो फाइनली यहां पे आ गया, पी ए प्लस पी बी क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियली बिना कोलिजन के पहले, पी ए डैश प्लस पी बी डैश क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब कोलिजन के बाद का मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम जो है उतना ही है जितना कोलिजन से पहले था, समझ में आ रही बात। सो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कोलिजन से चेंज नहीं हुआ। हाँ देखो इंडिविजुअली क्या हुआ कि इसका मोमेंटम पीए था, बाद में पीए डैश हो गया, चेंज हुआ, इसका मोमेंटम कम हुआ, इसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, लेकिन पूरे सिस्टम का मोमेंटम पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। देखो टोटल मोमेंटम दोनों केस में इक्वल आ रहा है, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद। तो इन्होंने इंटरनली जो एक दूसरे पर फोर्स लगाया था उससे पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा था, आपका सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम था। बात आ रही है समझ में, ओके। तो यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से इसका टोटल मोमेंटम कंजर्वड है, जितना पहले उतना बाद में। हाँ मैंने पहले ही कहा है कि आपस में फोर्स लगाकर इन्होंने एक दूसरे का मोमेंटम जरूर बदला है, बी का मोमेंटम इंक्रीज हुआ, ए का डिक्रीज हुआ। तो बी का जितना मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा उतना ही ए का मोमेंटम डिक्रीज हो गया होगा, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो डस्टर का,
ये देखो, अगर यहां पे ए है और ये बी है, अगर मान लो इनका इनिशियल मोमेंटम इसका 3 है और इसका 5 है, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट? क्लियर है? टकराने के बाद ये एक दूसरे का मोमेंटम बदल देंगे। बी का मोमेंटम मान लो इंक्रीज होकर हो गया 7, मान लो बी का मोमेंटम बाद में जैसे धक्का लगा इसका मोमेंटम हो गया 7, तो यहां पे ए का मोमेंटम डिक्रीज ही होगा, श्योर है, क्योंकि टोटल मोमेंटम तो अभी भी 8 ही रहेगा, मोमेंटम टोटल चेंज नहीं होगा सिस्टम का। पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम 8 था, अभी भी 8 ही होगा, और ए का पहले 3 था तो वो डिक्रीज होकर 1 हो जाएगा, 80 आ रहा है टोटल। तो इसका एक का बढ़ेगा तो एक का डेफिनेटली कम होगा, ताकि पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम ना बदले। पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम तभी बदलेगा जब बाहर से मैं कोई फोर्स लगाऊं, और ये जब तक नहीं लगाऊंगा तब तक चेंज नहीं होगा। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसका एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये तो चलो कोलिजन का एग्जाम्पल था। जैसे एक और फेमस एग्जाम्पल है बुलेट का, बंदूक की गोली। अब बंदूक में अगर गोली हो तो क्या होता है? खतरनाक हो सकता है ये। देखो, जैसे मान लो ये आपके पास एक बंदूक है, डायग्राम के लिए माफ करना भाई, ये आपका बंदूक है, ठीक है, और इसमें बुलेट है। तो आपका जो बुलेट और गन, ये बुलेट और गन का एक सिस्टम तैयार हो गया। दिस इज सिस्टम ऑफ बुलेट और गन। इसमें दो बॉडीज हैं, एक बुलेट और दूसरा गन। फिलहाल यहां पे दोनों रेस्ट पे हैं, राइट? तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा। देखो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है, इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो क्योंकि दोनों, ये जो गन और बुलेट दोनों का सिस्टम क्या है, दोनों का जो सिस्टम है इसमें दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जीरो, दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो है, जीरो है ना। P1 प्लस P2 विल बी जीरो। अब टोटल मोमेंटम हम देखते हैं जब बुलेट फायर करते हैं। देखो, जब बुलेट तुम फायर करते हो तो ये फट से बाहर निकल आता है, बुलेट किसी वेलोसिटी के साथ। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना होगा? जीरो है। तो बुलेट चलाने के बाद, देखो बुलेट चलाया जाता है तो बाहर से किसी ने कहीं फोर्स नहीं लगाया। इसमें हुआ क्या, बुलेट और इसके अंदर जो था सॉरी ये जो गन है और बुलेट, इसमें क्या हुआ, आपस में धक्का लगा, ये बाहर निकल गया। धक्का लगने की वजह से ये जो है बुलेट वो बाहर निकल गया किसी वेलोसिटी के साथ, तो इसको मोमेंटम मिल गया। मान लो ये बुलेट का मोमेंटम है, बुलेट को आगे की ओर एक मोमेंटम मिल गया। तो अब इससे होगा क्या बताओ, कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का अभी भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोली चलने से पहले भी टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था, बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल टोटल मोमेंटम और फाइनल टोटल मोमेंटम सेम होना चाहिए। इनिशियल टोटल मोमेंटम जीरो था क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। अब फाइनली अगर बुलेट को आगे की ओर एक वेलोसिटी मिली, आगे की ओर मोमेंटम मिला, तो सिस्टम के पास तो मोमेंटम आ गया ना, पर चलने के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये कि आपका जो गन है, गन को भी पीछे की ओर उतना मोमेंटम मिल जाएगा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन ही क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको मोमेंटम मिले आपके इस बुलेट, इस गन को, तो भाई दोनों मोमेंटम ऐड हो जाएंगे। सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए क्योंकि पहले भी जीरो था, सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। तो बुलेट को आगे की ओर मोमेंटम मिलता है तो इस गन को भी पीछे की ओर एक मोमेंटम मिल जाता है, समझे? और ये दोनों मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिटेड डायरेक्शन है। तो जब इन दोनों मोमेंटम को आप ऐड करोगे, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो आपको जीरो मिल जाएगा, क्योंकि ये गोली चलने के बाद का टोटल मोमेंटम है, ठीक है, गन का और बुलेट का। और इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो था।
तो अभी भी ये जब दोनों मोमेंटम को आप ऐड करोगे तो जीरो आएगा, और जब ये जीरो आएगा इसका मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ गन शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि जितना मोमेंटम बुलेट का है आगे की ओर उतना ही एग्जैक्टली मोमेंटम गन को भी मिलेगा, सेम एग्जैक्टली लेकिन पीछे की ओर, ताकि दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे और सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। बड़े प्यार से समझ में आ रही है बात। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या है, मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। तो मान लो इसका जो मास है वो कैपिटल एम ले लेते हैं हम लोग, तो गन का मास कैपिटल एम इनटू वेलोसिटी विच इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास जो है हम स्मॉल एम ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू माइनस एम बाय एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बुलेट की जो वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी होगी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों, ताकि टोटल मोमेंटम ये जीरो कर दे। और ये माइनस साइन यहां पे क्लियरली दिखा रहा है कि दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पे ध्यान देते हैं, देखो इसमें देखो होता क्या है कि आपका मोमेंटम दोनों का इक्वल है, इसका मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ये आपका मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां पे देखो बुलेट का क्योंकि मास बहुत कम होता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से बुलेट बाहर निकलता है, लेकिन गन का मास क्योंकि बहुत ज्यादा होता है तो मोमेंटम को सेम रखने के लिए इसकी वेलोसिटी काफी कम होती है, तो गन बहुत कम वेलोसिटी से पीछे आता है और बुलेट जबरदस्त वेलोसिटी से आगे जाता है। इसका मास कम है इसलिए इसका वेलोसिटी ज्यादा है, और इसका मास ज्यादा है गन का इसलिए वेलोसिटी उसका कम होता है, ताकि दोनों का ओवरऑल मोमेंटम सेम हो सके। मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है इसलिए माइनस नहीं डाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो जब आप वेक्टर लिखोगे तब यहां पे माइनस लगा सकते हो। तो इसलिए गन जो है बहुत कम वेलोसिटी से पीछे आती है बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा है, और गन जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसको हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, क्लियर है इतना। ये एक एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा सा, वहां वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखो आप कभी अगर बोट पे चढ़े हो, नाव पे, तो नाव में होता क्या है कि जब नाव किनारे पर आ जाती है तो हम जब नाव से बाहर आते हैं तो आप ध्यान से देखना कि नाव एक्चुअली थोड़ा सा पीछे चला जाता है। इसका रीजन भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। देखो जब आपका नाव इस तरह से खड़ा है यहाँ पे और वो शोर किनारे के पास आ गया तो किनारे के पास आकर ये जो नाव है वो रुक जाता है। अब इसके अंदर आप खड़े हो इस तरीके से, मान लो नाव के अंदर, तो आपका और इस बोट का एक सिस्टम हो गया, इस सिस्टम में भी दो लोग हैं, दो बॉडीज है, एक ये आप यहाँ पे जो खड़े हैं हाथ बना देता है सॉरी, और ये आपका बोट है। अब होता क्या है कि इसका फिलहाल ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि बाहर से कोई इस पर फोर्स नहीं लगा रहा है फिलहाल, और ये शोर पे आने के बाद, किनारे पे आने के बाद रुक गई, रुक गई मतलब रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे आ गई तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो हो गया। तो सेम वैसे ही कहानी जैसा गन का था, तो ये बाहर आएगा। अब जब ये बाहर की ओर एक मोमेंटम ले लेता, ये जो आदमी है वो बाहर की ओर जब एक मोमेंटम ले लेगा, आदमी को मोमेंटम मिल गया आगे की ओर, तो सिस्टम के पास तो मोमेंटम आ गया ना, पर सिस्टम का टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इसका इनिशियली टोटल मोमेंटम जीरो था। तो टोटल मोमेंटम जीरो सिस्टम का तब होगा ना जब ये जो नाव है, जितना आदमी ने आगे मोमेंटम लिया है उतना नाव भी पीछे मोमेंटम ले लेता है, मोमेंटम ऑफ बोट बैकवर्ड, एंड मोमेंटम ऑफ मैन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू मोमेंटम ऑफ बोट। इससे होता क्या है, ये यहां ले आओ
तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिर से जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जब ये पीछे ले लेगा अपना मोमेंटम, जितना आदमी ने लिया है उतना ही मोमेंटम लेने के लिए वो पीछे चला जाता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो टोटल मोमेंटम फिर जीरो बन गया जो कि इनिशियली उसका मोमेंटम था। देखो हमेशा टोटल मोमेंटम जीरो नहीं हो जाएगा, जितना इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी उतना ही होगा। अब क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था इसीलिए सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो रहा है। अगर मान लो इनिशियली कुछ ना कुछ मोमेंटम हो, जैसे नाव चल रही है उसका इनिशियली सिस्टम का कुछ ना कुछ मोमेंटम हो, तो उसके आगे कूदने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा सिस्टम का जितना पहले था। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का सेम होता है अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, समझ में आई बात कि नाव पीछे क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और बढ़िया एग्जांपल, दिवाली में जब आप पटाखे फोड़ते हो तो उसमें क्या होता है, थोड़ा गौर से उसको देखो और सोचो। देखो पटाखे फोड़ने के टाइम पे आपका जो पटाखा है उसको हम मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे पार्टिकल का एक सिस्टम है। मान लो आपका एक पटाखा है कि पटाखा इतना बड़ा है मान लो, तो हम मान सकते हैं ये छोटे छोटे पार्ट या छोटे छोटे पार्टिकल का एक सिस्टम है, और जब ये एक्सप्लोड होगा ये पटाखा तो क्या होगा, हर डायरेक्शन में इसके पार्टिकल्स या टुकड़े ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं एक्सप्लोजन के बाद। नाउ इस केस में भी क्या होता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। कैसे होता है देखो, फिलहाल यहां पे पटाखा रखा हुआ है, आपने उसको जलाया नहीं, ये एक्सप्लोड नहीं हुआ अभी तक, तो इसका हर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या है अभी फिलहाल सिस्टम का, जीरो है। जब ये एक्सप्लोड होता है तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं होता है कि सारे पार्टिकल्स लगभग एक ही डायरेक्शन में एक्सप्लोड होके जा रहे हैं। ऐसा कभी एक एक्सप्लोजन देखा है आपने कि बॉम्ब के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में चले गए? ऐसा होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो सबका मोमेंटम ऐड हो जाएगा P1, P2, P3, और सिस्टम के पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा कुछ ना कुछ, P1 प्लस P2 प्लस P3 जो भी है, लेकिन सिस्टम के पास टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो ही होना चाहिए एक्सप्लोजन के बाद भी, क्योंकि एक्सप्लोजन में इंटरनली फोर्स लगकर फिर एक्सप्लोड होता है, वो बाहर से तो कोई फोर्स लगाता नहीं है उस पर, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो पहले था बाद में भी वही होना चाहिए एक्सप्लोजन के। अब एक्सप्लोजन से पहले अगर टोटल मोमेंटम जीरो है तो ये एक्सप्लोजन होगा कुछ इस तरीके से कि फाइनल टोटल मोमेंटम सिस्टम का जीरो बन जाएगा। कैसे होगा ये कुछ इस तरीके से होगा कि एक्सप्लोजन पॉसिबली हर डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल्स जो है इसके हर डायरेक्शन में जाएंगे, एक पार्टिकल यहां गया मान लो, एक पार्टिकल यहां गया, तो ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इसका मोमेंटम, फिर एक मोमेंटम यहां, एक मोमेंटम यहां, एक मोमेंटम यहां, और इन सारे मोमेंटम को अगर आप ऐड करोगे तो ये टोटल मोमेंटम एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में, माइनस हो जाएगा, एक ऊपर जाने वाला मोमेंटम नीचे वाले जाने वाले मोमेंटम को माइनस कर देगा। इस तरीके से जब सारे मोमेंटम को आप ऐड कर दोगे तो आपका टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और टोटल मोमेंटम जीरो हो इस बात को ध्यान में रखकर या इस तरीके से ही ये एक्सप्लोजन होता है, तो इस तरीके से ये सारे पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी के साथ अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। समझ में आ रही बात कि पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम फिर से जीरो हो जाए, एक्सप्लोजन ही इस तरीके से होता, सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे तो टोटल मोमेंटम ऐड हो जाएगा, तब तो नहीं हो पाएगा, और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, सो एक्सप्लोजन इसीलिए इस तरीके से होता है कि इस ये जो एक्सप्लोजन है उसके पार्टिकल्स अलग अलग मास के हैं तो अलग अलग वेलोसिटी से हर डायरेक्शन में ऐसे फैलते हैं कि इन सब का अगर आप मोमेंटम निकालो और सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड करोगे तो आपको टोटल मोमेंटम जीरो मिल जाएगा, क्योंकि पहले इसका टोटल मोमेंटम जीरो था। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जहां पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।